पब्लिक गई फाइनल रखे क्या रहा हुआ ना तन तक जे लड़ावा थे एसपीबी बरौली बनाम वक्त पान मसाला खुरासों का दूसरा सेमीफाइनल होता हुआ दाल कहीं दूर गई उसको मंगा लें वॉलंटियर और मोहम्मद शाहिद साहब जो प्राथमिक प्रत्याशी हैं 100 रुपए के नाम लगा दिया क्राउड कैश के अब 3.5 और वसीम पप्पू पेजर साहब क्राउड कैश का इनाम है या नहीं आप बता दीजिए आपको 200 था आपका 300 लगा दीजिए गेट पास का नाम क्या भाई मुसहल भी कैसे खेला यहाँ पे आप लोग मौजूद फील कर लेंगे अंकुर पवार के प्राधिकार हैं अंकुर पवार शहनवाज के लिए बेहतरीन पोस्ट आराम के साथ क्रिकेट खेले तो आपका काम बनेगा और तैयार होते हैं तो त्रिकोण सबके सहयोगी से खेला साहब मौजूद यहाँ पे है ये दूसरा सेमीफाइनल जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन 1 ओवर 10 रन एक ओवर की समाप्ति पर वक्त पान मसाला ने बनाए हैं 10 रन वक्त पान मसाला का बहुत बड़ा दोस्त योगदान है और यहाँ पे मैं अपने वक्त पान मसाला के साथ मेहमान खास मोहम्मद शाहिद सादाब साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मोहम्मद शाहिद सिंधरी जो आप दिख रहे हैं कि ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर लीडर हैं सिकल ट्रॉफी इस टूर्नामेंट में स्पॉन्स किया है और अरसी खान एस एस वक्त पान मसाला अम्बेडकर नगर जलालपुर और सत्ताम आजमी मैनेजर और शादाब साहब और अबदुल्ला प्रधान निवादा सालिम साहब निवादा रेहान आजमी कैप्टन ऑफ वक्फा मसाला और आरिफ साहब निवादा हातिम साहब इसरौली और मोहम्मद शाह मसाला खुरासो शुक्रिया बहुत देने के लिए यहाँ पे बनाफाइनल टूर्नामेंट में तमाम लोगों का शुक्रिया गुफरान खान का अच्छा ताउन और एच एम ग्रीन सिटी का बहुत बड़ा ताउन उस टूर्नामेंट में रहा है तमाम लोगों का इफ्तिखार अहमद साहब बेटर लाइव देखकर टूर्नामेंट का समापन होने वाला है ये लोग आ जाए तो बेहतर होगा तमाम जो हमारे समर्थन करता है वो आ जाए तो बेहतर होगा और मोहम्मद आरिफ गुतना दिल राजीव टिकटॉकर ये तमाम लोग क्रमिन के साथ जुड़े थे दूसरा सेमीफाइनल है दोस्त सारे मूड को अपसेट कर दी थी टीम यहाँ पे टीम नहीं टीम तो अच्छा कर रही थी टीम अच्छा करती ना करने के लिए लेकिन सपोर्टरों को मिला क्या सिर्फ बदनामी मिली और क्या हुआ टीम का 25,000 चला गया 20,000 तो मंजूपट्टी से आया था वो भी चला गया और बहुत इनाम और थे वो भी चला गया और ये राजू के प्राधिकार हैं राजू के प्राधिकार हैं दोस्त ये लोग कानपुर से आए हैं कानपुर स्टेडियम से यहाँ पे तैयार है कानपुर से दोस्त ये हैं क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे
और ये साहब बड़े बेचैन थे, एक दिन पहले बता दिया था कि हमारे ख्याल हमारे घर आ गए, अब आज लेके यहाँ पे आए खिलाने के लिए, और इतना अच्छा क्रिकेट खेल कर पहुंचे हैं, जो जीतेगा पहुंचेगा फाइनल में। शहनवाज वहां पे बीट करने में कामयाब है, एक रन और ले जाएगा, इसको एक के साथ 12 रन। एच एन ग्रीन सिटी आपका शुक्रिया, मोहम्मद साहिद साहब सिंधी आपका, एक किसी के परस गिरा पड़ा मिला है बेचारे का, परस में कुछ लिखा जाए आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ये तो लिखा है विजन आई केयर, आई केयर का आई आंख की देखभाल करने का उनका सपना है, और बिल्कुल खाली 100 रुपया है, 100 रुपया है भाई जिसका ले, अब आंख के देखभाल का सपना देखें तो अच्छा है, आंख रहेगी तो सब कुछ रहेगा दोस्त, आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नो बॉल का इशारा यहाँ पे आ गया मुशरफ साहब का, क्लीन बोल हुए थे लेकिन नो बॉल, जिसका है दोस्त वो अपना तरस आकर ले जाए, उसी ने कहा था अगर कहीं झगड़ा झंझट हो तो आप बैठे रहे खामोशी के साथ, लेकिन जाने लड्डू बढ़ता है कि मिठाई बढ़ती है, सब लोग पहुंच जाते हैं वहां पे इकट्ठा होने के लिए। फ्री हिट का ऐलान यहां पे दोस्त, जाओ भाई आपको परस्त नहीं गिर जाओ भाई, राजू तैयार दोस्त नमाज के वक्त इसलिए मैं कमेंट्री का शुरू कर रहा हूँ, और ये वाइड बॉल का ऐसा आया, इसको रसीद के साथ 13 रन, मोहम्मद 13 रन बन चुका है, दूसरा ओवर चल रहा है, सिंधी कुरासो बनाम बरौली का मुकाबला है, कि जो एक ऐसा समाज से ही जो आप हर किसी की जबान पे है, और ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी भी फिर इंशाल्लाह एक बार होंगे, और ये बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पे अपनाए हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कुछ कुछ शिविर आने वाली है, और ऊंचा स्टोक हवा में खेला लेकिन वहां पे एक रन मिलेगा, ये शेखर है बल्लेबाज, शेखर और शहनवाज की जोड़ी यहां पे है, सुशील पांडे श्याम बबल मेरे कहा यहां पे लिखे जा रहे हैं, और ये बेहतरीन क्रिकेट वक्त पान मसाला सरफराज भाई दस्त मिस कर गए, उन्हें आना था सेवन के लिए, तैयारी की थी लेकिन किसी काम से वो मुंबई निकल गए, लेकिन उनकी पूरी टीम यहां पे है, और सेवन को पूरी तरह से गोद में ले लिया है, और कहा कि कोई कमी मैं नहीं होने दूंगा, जो कमियां मुझसे बताइए मैं आपके साथ हूँ, तैयार होते हैं एक मतफी अपनी लंबी वाली मार के साथ तेरा शुरू किया और विकेट पहुंचे गए चलेंगे, और बेहतरीन शहनवाज के बल्ले से खूबसूरत छक्का, खूबसूरत लंबा छक्का लगा दोस्त, गेंद वहां से वापस कर दे तो बेहतर होगा, इसी छह के साथ स्कोर 20 रन। हर छक्के पे 100 रुपए की नाम अब यहां लगा दिया, अब उसे यहां पर लगा दिया है पप्पू तेजर साहब, अब कुछ उनका शांत हुए हैं, ढंग से खेलेंगे अच्छे से खेलेंगे बड़ा इनाम मिलेगा दोस्त, बहुत इनाम मिलने वाला है, तैयार होते हुए बड़ी अच्छी गेंद फिर सोते कथा वहां पे खेला चाह लेकिन पल्ले पे गेंद नहीं आई, एक रन मिलेगा इसी एक रन के साथ इसको यहां पहुंचाया, अब यहां पे 22-22 ये ऑल ओवर क्रिकेट एंड अफगानिस्तान 70-70 टूर्नामेंट आपके सामने, उसका ये दूसरा सेमीफाइनल, फाइनल में टीम संजयपुर है, टीम संजयपुर फाइनल में है दोस्त, ये एक जबरदस्त मरी का मुकाबला आपके सामने, कुछ सोचते हुए अपने खेल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राजू तैयार की दावी करने के लिए, राजू तैयार उनका दूसरा ओवर है, उनका पहला ओवर टीम का दूसरा ओवर, एक और शाम का खूबसूरत जा रही है वहां पे, और मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्री के बाहर चार रन, उसी चार के तार इसको जब पहुंचाया अब यहाँ पे 26 रन बन चुका है, संजयपुर पहली टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली जाएगी, संजयपुर पहली टीम बनी है, संजयपुर पहली टीम है जो फाइनल में पहुंच गई है, कमेंट बंद करना मेरी मजबूरी है, मुझे मालूम है कि अभी सब गाली गलौज लाइक लगा उसी में होगा, इससे अच्छा है सब लोग आराम से लाइक करें, बल्ले आ गए कि पहले टीमों के पास एक ही बल्ला होता था, बदल बदल के बेचारे खेलते थे, अब तो 10 बल्ला एक्स्ट्रा है, लीजिए चेक कर लीजिए जिससे चाहे आप खेले, वक्त पान मसाला की टीम बल्लेबाजी कर रहे दोस्त, दूसरे सेमीफाइनल में अब तक स्कोर यहां पे है दोस्त, तैयार राजू ट्रांसफर किया फिर तो पहुंचे गए करेंगे, शेखर को एक और खूबसूरत टाइप कैसे कर, वहां पे एक रन मिलेगा, डीप से फील्डर भागते जा रहे हैं, और एक के साथ इसको जब पहुंचा यहां पे
27 रन पर 27। बिल्कुल नमाज का वक्त करीब हो चुका है, लोग जा रहे हैं। अब माइक मैं बंद कर रहा हूं दोस्त 10 मिनट के लिए। कमेंटेटर बताते हैं तो भी स्कोर बताया जाता है। अजान और नमाज की वजह से कमेंट्री बंद है, माइक बंद है। तीन ओवर में 36 रन बन चुका है। चौथा है, 4+4 ओवर का यह मुकाबला है।
बहुत अच्छे है बाबू अच्छे है। सिंगल है वो सिंगल है रुक रुक यार। अरे भाई का दरबावा से यार तो पकड़ टप्पो पकड़े से गिर गिर दरवा गिल्ली जगह गिल्ली इतनी खराब है कहीं इंतजार कर टप्पा का इसको 55 रन। पचपन रन बन चुका है। यदि कम है आप ही कहां चला गया एक मिनट में सारे बहुत कुछ लिख रहा था तुरंत चला गया आप ये कमेटी के लोगों के लिए जो गिफ्ट लेके आया है वक्त पान मसाला दोस्त ये गिफ्ट सारे यहाँ पे आ रही है जो 25 मेंबर कमेटी के हैं उन्हीं के लिए लेके आई है तो वक्त पान मसाला आपका शुक्रिया वाइट बाल का सारा कि आपने बहुत बड़ा काउंट किया सेकंड प्राइज रिस्पॉन्स की और इतने सारे इनाम यहाँ पे भी दे रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया फाइनल मैच में कमेंट ओपन रहेगा लेकिन बराए मेहरबानी गाली दे लो राजू तैयार फिर तो पहुंचेंगे करेंगे शेखर को ब्रेक हो चुके जो से टाइप कर दिया गया कवर की जाने एक रन मिलेगा उसको इसे एक के साझा पहुंचा अब यहां पे 58 आखिरी ओवर चल रहा है पांचवा यानी आखिरी ओवर चल रहा है 58 रन हो गए
स्ट्रोक शहनवाज के द्वारा, लेकिन कैच की संभावना आएगा नहीं है और कैच किए गए शहनवाज आउट। शुक्रिया साहिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक सेकंड ट्रॉफी स्पॉन्स के स्वामिन के लिए मामा साहिब सिंदरीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मिर्जापुर यहाँ पे आए बड़ी खामोशी के साथ, ना तो फीता काटा ना तो खिलाड़ी से, और लेकिन बड़ी खामोशी के साथ अपने काम को अंजाम देकर चले गए दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक ट्रॉफी स्पॉन्स कर दी। खुदा का शुक्र है दोस्त कि जिससे कहा गया किसे ने निराश नहीं किया, हमारी पाल का सारा हर किसी ने पर्चा के हिस्सा लिया, जिससे भी काल की गई कि आपको ऊपर ये चीज रख दी जाए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्कोर 67। दूसरा सा सुजीत खाली हो जो 67 आखिरी बॉल है। एक गेंद बची है, बल्लेबाज है फैसल डायनामाइट एक्सप्रेसिव बैट्समैन, आखिरी बॉल आप एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया, और ये खराब थोड़ा भी कर दिया है ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया, ये चौथे के लिए भाग रहे हैं, ये तीन रन पूरा कर लिया, जहां एक रन लेना चाहिए वहां तीन रन दे दिया आपने। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या 70, जीत के लिए 5 ओवरों में टीम बरौली सदर बरौली को 71 रन बनाने होंगे 5 ओवरों में, जो तुम्हारी टारगेट फिर मिला है, टारगेट वही मार हुई। सुजीत, मैं अपने मेहमानों का एक मतवासी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एच एम ग्रीन सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो स्वामिन ने जबरदस्त रिस्पॉन्स किया है। मैं तो कल तक ऐलान किया था कि 50,000 है, आज सुबह में उनका लिफाफा देखा गया तो उसमें 1,00,000 रुपए कैश था, और वक्त पान मसाला दो पनाह इनाम दिया दोस्त। सेकंड प्राइज 40,000, ये वॉलंटियर के लिए ये 25 प्राइज आई है, और ये ट्रॉफी जो फर्स्ट ट्रॉफी देसी तड़का परैया ढाबा दिया है, और ये जो सेकंड ट्रॉफी मोहम्मद शाहिद सिंधु तरफ से आ रही है, पार्टी कैप के साथ 1500 दिया था रेहान सेंचुरी, लेकिन मैं 4,000 कर दिया सीरीज को हटाकर, तो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप 4,000 रुपए कैश होगा। फर्स्ट और सेकंड प्राइज 50,000-40,000 है दोस्त। ये खुदा का शुक्र है कि दोस्त इस टूर्नामेंट में तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। संजीवपुर ने बनाया है इस रवि को हराया है, संजीवपुर ने 71 बनाया है इस रवि को हराया है, और अब यहाँ पे क्या कहेगा बरौली, और वक्त पान मसाला के तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल।
यहाँ पे अरसी खान एस एस वक्त पान मसाला और अंबेडकर नगर जलालपुर से चल के आए हैं एंड सद्दाम आजमी मैनेजर ऑफ वक्त पान मसाला शादाब शेख डीलर उलपुर एंड जौनपुर अबैदुल्ला पठान निवादा सालिम साहब निवादा रेहान आजमी कैप्टन वक्त पान मसाला मोहम्मद आरिफ साहब निवादा अबुल सईद खान साहब ग्रीन सिटी और मोहम्मद आरिफ आदिपुर गुजरा खान समापन गुफरान खान नहीं है बल्कि गुफरान खान होंगे इफ्तिखार भाई बेटल लाइफ बेकर हाजी लही कहना सरजपुर सिकरौर जहाँ कई स्टेज पे आ जाए जो हमारे बड़े बड़े मोहतरम है उनके हाथ से प्रोग्राम के प्रायोजित भाई गेंद दे दें वॉलंटियर रजैसा भाई गेंद नहीं दे यहाँ पे गेंद दे जो टीम बल्लेबाजी कर रही है और सराउद्दीन साहब आ जाए भाई रजैसा आमिर कुछ गेंद नहीं दे दे क्योंकि ये दूसरी इनिंग शुरू हो रही है उस गेंद से नई गेंद से खेलेंगे और मोहम्मद आमिर कोशिश गुरु वो भी कह रहे थे हमारे यहाँ आएंगे लेकिन अभी कोई नहीं उनका आया है अरे अब तक में होगा करिए वो का करिए ये हो ही शिराज रजापुर से कौर अपने शिराज कहाँ है भाई शादी से मिले मोदी शादी से मिले अपने भाई मोदी शादी से मिले इकहत्तर का टारगेट है सुजीत बुला ले अब इस वक्त में मेहमानों का जिक्र करना बराबर जरूरी है सुजीत कि यही मेहमान है जो स्वामिन को इतना बड़ा बनाया है वरना टीमों तो बहुत कुछ खराब किया है टूर्नामेंट के लिए लेकिन लेट आई वक्त नहीं आई वक्त आई तो झगड़ा करने को तैयार थी और अगले साल सिर्फ 16 टीमें होगी और कौन होगी 16 वो कमेटी फैसला करेगी दोस्त मुकाबला बहुत जबरदस्त है 5 ओवर में 71 रन करने गेंद है सिंहासन चौहान के हाथ में बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं छोटे रनों से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं ये मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेलकर वापस लौटे हैं टीम वक्त पान मसाला में इनका सिलेक्शन है बेहतरीन मुकाबला एक तरफ है पर्पल कैप के माफ करना ऑरेंज कैप के होल्डर मोहम्मद आतिफ दूसरी तरफ है अगर वक्त पान मसाला यहाँ पर हैट्रिक करेगा तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं सद्दाम भाई जो हमारे बीच में मौजूद है ये जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है मेरे साथ जुड़े हुए आरसी खान साहब एसएस जलालपुर सद्दाम आदमी साहब मैनेजर ऑफ वक्त पान मसाला रेहान आदमी साहब कप्तान सरदार शेख साहब ओबदुल्ला साहब प्रधान साहब सालिम साहब आरिफ साहब पप्पू पेजर भाई कोशिश ग्रुप इसी बीच पहली गेंद पैरों की तरफ आ रही थी स्टेयर कर दिया है यहाँ पर फील्डर मौजूद है खुरासो की टीम जो इस वक्त पान मसाला ये 4 फाइनल जीती है 4 फाइनल खेलने का इस सीजन ही 4 सीजन मैच खेले जो फाइनल तक का सफर तय किया है बढ़िया है मुकाबला और अभी ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम यहां से जीतेगी क्योंकि आतिफ जो ऑरेंज कैप होल्डर है बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है लेकिन इनका सामना अव्वल दर्जे के गेंदबाज से है ऑनर ऑफ वक्त पान मसाला इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ कट कर दिया सिंगल चलाने का मौका शेख सरफराज साहब जो वक्त पान मसाला के ऑनर है वो भी अभी भी इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं स्वाद है निराला नाम है वक्त पान मसाला बढ़िया है ये मुकाबला स्कोर ओवर पर रनों की संख्या जा पहुंची इसलाई साहब 2 रन पहला ही ओवर चल रहा है सिंहासन चौहान के हाथ में गेंद है लगातार अच्छी गेंद है पैर की तरफ मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि लग रहा है दूसरा ओवर लेना चाहते हैं क्या ये पूरा हो जाएगा या नहीं और ये विकेट बड़ा विकेट मैं कहूंगा सेमीफाइनल में रन आउट होना होगी हर हिस्से से बल्लेबाज का जो बेहतरीन परफॉर्मर था इस टूर्नामेंट का उसका विकेट बहुत बड़ा समय पर खो दिया 3 रन कई विकेट के नुकसान पर वक्त पान मसाला ये है सबसे निराला क्या बल्लेबाजी हो रही है क्या गेंदबाजी हो रही जबरदस्ती मुकाबला दर्शकों का हुजूम में देख रहा हूं कि फाइनल मुकाबले इसके बाद जो टीम जीतेगी एक कप पर मैं देख रहा हूं कि यहां कब्जा जमा चुकी है टीम संजय
तो दूसरी तरफ एक ट्रॉफी के लिए लड़ाई चल रही है। ये अल उमर क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है, ये जीत है साहबगंज की पूरी टीम की, जावेद सर की, फराज भाई, राजापुर सिकंदराबाद के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों की जीत है। ये पूरे राजापुर सिकंदराबाद की जीत है, टूर्नामेंट जिस तरह से कामयाब रहा, बढ़िया है ये मुकाबला। और ऐसी गेंदबाज को अपने विकेट दे दी, वो भी सही समय पर विकेट मिल गई, रन आउट मिला लेकिन यह दबाव हो गया। हारिस एक प्रमुख प्लेयर था इस टीम का, जिस पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी, अब यह सही फाइनल का दबाव है। मनोज वैज्ञानिक स्कोर करने होंगे, आतिफ का बल्ला घुसा तभी यह मुकाबले तक पहुंच पाएगी टीम सदर बरौनी, अन्यथा वक्त पान मसाला एक बार फिर कहेगा मेरा स्वाद है निराला। यह चरम ग्रीन सिटी इसी बीच में खट गया, नजाकत से भी खेल रहे हैं, डीप पॉइंट से फील्डर है और एक रन बनाने का मौका, रन नहीं दे रहे, बड़े कंजूस गेंदबाजी, दिमाग से ज्यादा खेलते हैं ये पूर्वांचल के टॉप अच्छे गेंदबाजों में आते हैं। और ये ऐसे ही नहीं, ये टीम अगर सेमीफाइनल तक पहुंची है तो सभी खिलाड़ियों के सहयोग से। जीत एक परस मुझे मिला है दोस्त, जिसका परस अपना तरफ ले जा सकता है कमेंट बॉक्स में आकर, और जब फाइनल होगा तो टीम ही सिर्फ रहेगी, सपोर्टर बहुत दूर रहेंगे। अब ये कमेटी फैसला किया गया, अगर सपोर्टर टीम के इर्द गिर्द मिल गए तो फिर उनको बहुत दूर कर दिया जाएगा। कितने दूर कर रहे हैं, बल्लेबाज को मौका नहीं दे, बिल्कुल आप इस कम के बाहर तिरछी बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर कामयाब ओवर रहा, अभी तक वक्त पान मसाला छह रन आगे चल रही है, छह रन एक ओवर, छह रन 71 कर रहे हैं, अभी 4 ओवर 24 गेंद आना बाकी, कौन सी टीम जीतेगी अभी भी खेल पाना मुश्किल है। एक में 17 रन चाहिए थे और अनस की गेंदों पर यहाँ सलमान मिर्जा ने 2 छक्के लगाकर मैच को अपनी बाजी में, स्कोर है 6-6 के जवाब में, 6 रन बनाए दोस्त, एक ओवर 6 रन। यहाँ जवाब के मुकाबला मेरे शेखर भाई लगातार इसके बाद अगर वो फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस मैच को 4:07 हो रहे हैं और ये संभव नहीं लग रहा कि आज भी ये फाइनल हो पाए, लेकिन कराना है क्योंकि हमारे मेहमान एचएम ग्रीन सिटी वक्त पान मसाला रेहान संजरी साहब नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल कोशिश ग्रुप तमाम सभी लोग मौजूद है, सभी कार्यकर्ताओं का ये अहम मूल्य योगदान। बढ़िया ये मुकाबला शेखर के हाथों में गेंद है, इस बार ये ऑफ स्पिनर गेंदे करना जानते हैं और ये दोनों ही लेफ्ट हैंडर हैं, ये कारगर साबित हो सकते हैं इस विकेट पर। शेखर यादव गोरखपुर का ये नौजवान वक्त पान मसाला की टीम ने इनका सिलेक्शन किया, लाजवाब गेंदबाजी, इन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी। सुजीत जवाबदार से मैं इसी प्लेयर के बारे में जिक्र किया था, अगर कहो तो उनको शेखर को श्याम को सिंहासन को बुला लिया जाए सिकंदराबाद टीम के लिए, लेकिन वो शायद तैयार नहीं हुए थे, लेकिन आज वक्त पान मसाला के टीम में आ चुके हैं ये लोग। बिल्कुल खिलाड़ियों की खोज, जावेद सर जेएल की टीम आखिरी ओवरों में 6 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत थी, टीम में मुकाबला हार गई। अभी इनके पास आसिफ बरौली एक ऐसा प्लेयर, हालांकि ये फॉर्म में नहीं है, अन्यथा इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे स्टाइलिश और क्लासिकल बैट्समैन है, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक दशक क्रिकेट की सेवा की। इस पर लॉफ्टेड शॉट, आतिफ के बल्ले बल्ले कतार चला दिया, इस बार बल्ले उनके पाले में गेंद पड़ेगी तो वो नहीं बचने वाले, बढ़िया ये छक्का बुझाते नहीं क्योंकि काकर कलम भाग काफी बल्लेबाज करा के मारा जाला, गेंदबाज मरण से खरण कर मुकाबला होता मोहम्मद आतिफ से, आग लग गई बार मैदान के ऊपर। सुजीत एचएम ग्रीन सिटी पापा इनाम लगा रहा है, हैट्रिक सिक्स और क्राउड कैश पे बिल्कुल इनाम लगा रहा है एचएम ग्रीन सिटी, और एक मजबूत लंबा छक्का लगा दिया आतिफ के बल्ले से, ये ऑरेंज कैप इनके सर पे है, यानी सबसे ज्यादा रन बना चुका है ये बल्लेबाज, उसको उसी 6 के साथ जा पहुंचा है स्कोर 20 रन, ये 20 रन बन चुका है। यह तूफान, क्या ये शॉट लगाया इस नौजवान ने, ऐसा लगा मारो गेंद की पखिया उधेड़ दी, कितना जोरदार प्रहार किया। मदसिंह भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आ चुके हैं, अब इसको ट्रॉफी को कैद करेंगे अपने कैमरे में, कल चला देंगे अपने न्यूज चैनल पे, कल चलाएंगे न्यूज चैनल पे ये खूबसूरत ट्रॉफी। और दो गहन भेदी छक्के यहाँ देखने को मिले, क्या इनाम है 3 छक्के पर,
How is gone to pavilion. The new batsman is very dangerous. Mohammad Aadit comes on the crease and the heels. Two sixes on this over. Now Sekar going on the track. Ball to Mohammad Aadit. Once again, a very superb mind-blowing ball. And he hit the ball and the throw of the batsman. Batsman is very afraid on the ball. Nice score going on 22. A loss of one wicket. सलीम डिकॉट मेरा भाई जिनकी दुकान दोस्तों मैं बता दूं सरायनर पुलिस चौकी के बगल में सभी प्रकार के ब्रांड्स के कपड़े वहां मिलते हैं एक बार जरूर संपर्क करें उत्साह आपगन स्पोर्ट ये सारी टी शर्ट आपने एनालिसिस की इस बार ये लॉक किया है और ये जाएंगे बहुत दूर और देखी जाएगी छेड़न हाँ कानपुरिया लौंडा यहाँ बुरा काम कर दिया भैया जोर दिया छक्का मौके पर जबरदस्त में देख रहा हूँ लौंडा ये छोरा कहो दोस्त छोरा कहो अच्छा ये कानपुर में बोला जाता है उनकी ये फेवरेट है ठीक है वेल प्लेड स्कोर भाई मैम कानपुरी बाबू एक ही प्लेयर बल्ले होगी मैदान पर जल्दी इनकी रेल बाकी सब तेल इसी बीच आहा ये अच्छी गेंद दूर जाने दिया अच्छी गेंद नहीं छोड़ रहा और समाप्ति दो ओवर हो गया स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 28 बराबरी का है मुकाबला फाइनल जैसे वो आखिरी गेंद तक क्या क्या जीत जाएगा है ये मुकाबला जबरदस्त 28 रन बन चुका है आतिफ अब कौन से नए गेंदबाज को लाया जाएगा सिंहासन चौहान या शेखर का ही ओवर समाप्त हुआ है तो मेरे साथ दोस्त जुड़े हुए मेहमान जो लगातार जिनकी ये वक्त पान मसाला की ये तमाम जो पेटियां मेरे सामने पड़ी हुई बंपर गिफ्ट है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने मेहनत की है सद्दाम आजमी साहब जो वक्त पान मसाला के मैनेजर साहब हैं कप्तान रेहान आजमी साहब हैं सादाब शेख भाई हैं रुबुल्ला साहब प्रधान नेवादा हैं सालिम भाई मोहम्मद आयुब भाई पप्पू पेजर भाई ओसिस ग्रुप है आरसी भाई हैं तमाम लोग हैं दो ने 28 कर लिए है ये बल्लेबाज खतरनाक अब है सिंहासन चौहान इनको कैसे बल्लेबाजी करेंगे आतिफ बल्लेबाज ही खेलकर वापस लौट जाए मुकाबला दिलचस्प है ये विनर गेंद ये बल्लेबाज का धक्के है पहला ओवर किया था लाजवाब 6 रन खर्च किए थे और यहाँ पहली गेंद पर 7 रन फ्री हिट ये गेंद है मौका है मोहम्मद आतिफ के लिए ऑरेंज कैप का होल्डर इस बार नाच नचैया घूम घुमैया बढ़िया गेंदबाजी बाहर की तरफ निकल रही थी अपनी कंगारुओं की तरह जंप किया था मोहम्मद आतिफ ने लेकिन बल्ले का जो चाहते थे जो टो नहीं लगा फिलहाल कैप क्लासी गेंदबाजी चल रही है सिंहासन चौहान ऐसे मोमेंट में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं इस बार एक और अच्छी गेंद छक्का देने के बाद वापसी की सिंहासन चौहान गेंदबाज ने ऐसे नहीं एक टॉप का गेंदबाज है पूर्वांचल में टॉप 10 गेंदबाजों की लिस्ट में आते हैं बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है एक छक्का खाया दो गेंदे अब तक की है दोनों पर कोई रन नहीं तो 3 गेंदे 6 रन आ गए इस ओवर में ये क्रूशियल मोमेंट है आपका मैच ये लीजिए क्रॉस देख लीजिए आप स्टंप के बाहर ही जानकर भी अगर मैं बैट का फ्लो खोल देता अगर कहीं कैच हो जाता तो मैच फंस जाता नजाकत है इस नौजवान खिलाड़ी में बढ़िया है बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या का पहुंचा फटाफट इसलाई साहब 36 अब ये कानपुरी बाबू है ये खतरनाक खिलाड़ी ना ना मौका नहीं दे रही है बढ़िया फीलिंग वहां पर खड़ी है शाम आखिरी गेंद है ये करना पड़ेगा कुछ करामाती अगर ये गेंद सिंहासन ने निकाल ली तो खुरासा यानी
पान मसाला बल्ले बल्ले। अगर इस गेंद पर छक्का तो सदर पर होली करेगी बल्ले बल्ले। ना भैया ना, अब ये मुकाबला हो गया दिलचस्प। अब बचे हैं 12 गेंदे और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 37। 38 हो गई, माफ करना, एक रन और जुड़ गया। 38 में बारह पे 33 और 12 गेंदे 33 रन, 12 बॉल 33 रन। कायम मैदान है और ये अल उमर क्रिकेट की जीत है। सुजीत एच एम ग्रीन सिटी का मैं मुताफिर देखी कर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वक्त मसाला का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये दोनों ऐसे स्पॉन्सर मिल गए, टूर्नामेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। बेपना इनामों के बरसात किया गया, इतने क्राउड कैश पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं हुए, इतना इनाम नहीं बचा, नहीं बता पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और एच एम ग्रीन सिटी वक्तान मसाला और रेहान संजरी जो पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड देहरादून, इन लोगों ने बेपना इनाम दिए, इनका मैं देखी तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खेलबे तो हाँ है, ये मुकाबला दिलचस्प हो तो चला गया। जो वक्तबाग मसाला के ऑनर इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, एच एम ग्रीन सिटी के ऑनर अबू सईद खान साहब भी मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, रेहान संजरी साहब लाइव देख रहे हैं, नजीर नगर हॉस्पिटल लाइव देख रहा है। अब चाहिए 11 बॉल 27 ग्रीन सिटी पे है। अच्छा इस तो 11 27 अंकुर पवार आए हैं, 10 बॉल 27 रन। राधापुर सिकरार का रन होल्डर लीडिंग स्कोर मोहम्मद आदिब बल्ले का इस लगा और खुद चल दिए थे। अब ये जोड़ी है नया उम्मीदों की बरसात, क्या वक्त मसाला खिताबी जंग की दौड़ में छाएगा या इस मुकाबले को जीतेगी टीम सदर बरौली। सवाल या निशान, दो गेंदे छह रन आए हैं, बढ़िया ये मुकाबला। ओ माय गॉड, इसी बीच अगले गेंद लेकर गली में गई गेंद का ये चौका निकल जाएगी। वाह जी वाह, तीन गेंदे हुई है, 10 रन आ गए, 9 बॉल 23 रन। 33 करने थे, 10 आ गए, 9 बॉल 23 रन। ये मुकाबला पीके आज है अंक, कुछ कर दो कमाल। ये कैच फंस गया है, कौन जा रहा है? ये है हीरो वक्तान मसाला का कप्तान फैसल डायनामाइट और ये कैच नहीं छोड़ता। अब नैया डगमगाने लगी है। ओ माय गॉड, वक्तान मसाला के मैं देख रहा हूँ आरसी भाई खड़े हो गए थे, अरे भाई क्या हो रहा है, बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प है। दो सौ रुपए का ये इनाम फैसल को आया,
चुका है आवासी भाई जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। उम्मीदों की चिराग लेकर बल्लेबाज पहुंचा है। ये है बल्लेबाज जिसका नाम मैं ले रहा था। दोस्त इन्होंने मैच खेलना छोड़ दिया अन्यथा इस पूरे आजमगढ़ का सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्लासिकल इसके जैसा कोई नहीं था। जब इन्होंने क्रिकेट खेली अपने दम पर मुकाबले को जितवाया है, लेकिन अब लगातार कई वर्षों से क्रिकेट छोड़ दी इसलिए अपने को डिमोट किया। अन्यथा ये लखनऊ की टीम से खेले, कानपुर की टीम से खेले, बनारस से खेले, बंदा हमेशा ओपन किया, अकेले दम पर मैच जीता के दिया है बाबतपुर जैसी टीमों के खिलाफ। इसी बीच ये ना 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 अब करने हैं प्राइस, छक्के लगाने होंगे, छक्के ही लगाने होंगे। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या सिलाई साहब फटाफट 48 रन पर टिकी हुई है, 71 करने। वाह अलमर भाई, सोचा नहीं था आपने कि इतना जबरदस्त मैं टूर्नामेंट करवा लूंगा, उम्मीद से कहीं बेहतर। जावेद भाई फाइनल कितने बार कहेगा ये की समाप्ति। सलमान भाई मैच देख रहे हैं, एक ओवर में 17 चाहिए, एक ओवर में 17 चाहिए, फटाफट बता दें। ओ माय गॉड, एक ओवर में 17, फिर सेम कहानी दोहराई जा रही है सुजीत, फिर एक ओवर में 17। अगर आसिफ भाई तीन लगातार छक्का लगाएंगे तो आफाक भाई 500 रुपए की इनाम देंगे। ये तो बुझाते नहीं थे कि क्या होता मैदान पे, एक तो टीम 17 रन खा गई वहां, आप इज्जत बा गांव पे। अगर आसिफ भी तीन लगातार से काशिफ लगाएंगे तो अभी बकर बाबूराव कदम मंजू पट्टी विदेशी 500 के नाम देंगे। सब कुछ सही हुआ, दोनों टीम नहीं हारी ना भैया ना, ये है 50-50 का मुकाबला। क्या गजब का खेल हुआ है, खतरे के पांतल अभी दोनों टीमों पर मंडरा रहे हैं। दोनों से फाइनल में क्या खूबसूरत मुकाबला हुआ है ना जी ना, इससे अच्छी सिर्फ बात हो सकती है, मैच नहीं हो सकता, ना समाप्त खेल हुआ है, दिल जीतने वाला मुकाबला। 6 बॉल 17 रन वसूल है दर्शकों के, ऐसे मुकाबले देख के खुश हो जाते हैं। 6 बॉल 17 रन है ना मजा मैच का, शाबाश। ए हसन मालिंगा, ये मालिंगा मालिंगा एक कर लिए ना जी ना, अब इसका ही तारे कानपुरिया बाबू है ये बड़ा बल्लेबाज। 5 बॉल 16 रन जो जिसकी एज होगी महज 18 साल, रक्त पान मसाला की नैया की जिम्मेदारी है इस नौजवान के कंधे पर। 5 गेंदे 16 रन है ये आजमगढ़ का छोरा और है कानपुर के छोरा। ये कहां लगी है, कहां लगी है, कहां लगी है, वाइड आउट गई। वाह जी वाह, 5 गेंदे 15 रन 5 बॉल 15 रन ये तो बुझाता नहीं कि क्या होता मैदान पे। एक बार लगा था कि जीत जाई खुरास हो रक्त पान मसाला, और दूसरी तरफ लगा था कि मैदान से जीत जाई युवा पे टीम सदर बरौली। दिस इज अ क्रिकेट, क्रिकेट की हिंदी होती है लंब जंग गोल पिंग मार धर प्रतियोगिता, और क्या प्रतियोगिता है नौजवानों, 5 गेंदे 15 4 गेंदे बची है, 9 रनों की जरूरत, 4 गेंद 9 रन फिर मैच पलट रहा है। 4 बॉल 9 रन मुकाबला। श्याम बाबा कौन जीतेगा, श्याम बाबा कौन जीतेगा आपके फैसले? राजू भाई बड़ी तगड़ी होती है अपना सिस्टम है, पर राजू भाई का ताबुन है विकेट पर, आप उन खेलेगा इधर। वाह भाई क्या खेलता है, मान गया भाई राजू भाई, चलो सब मालिंगा तू राजू। अब चाहिए 3 गेंदे 9 रन 3 बॉल 9 रन शिवसाल का मैदान, 3 पर 5 चाहिए थे, आसिफ भाई क्रीज पर मौजूद थे, उसने कहा मैं अकेले कर दूंगा और 3 गेंदे बात हो गई थी। वो मैच मुझे याद है, मैच कभी भी पलट सकता है। 3 गेंदे 9 रन सेफ, इट्स मींस मालिंगा ऑफ आजमगढ़ एंड बैट्समैन। ये क्या है, सोच रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है मैदान में,
बढ़िया ये मुकाबला, तीन गेंदे मैडम, ये गेंद दो गेंद नौ रन। भाई आते साफ जान, आपको जाना नहीं, आते आपको जाना, आपको रुके रहना है, आपकी टीम जीते हारे आप जाएंगे। दो 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 दो। अगर ये ओवर करके लेके जाएंगे मैं 200 रुपए इनाम अपनी तरफ से। दो गेंद नौ रन, दो नौ, दो गेंद नौ रन। दूसरा बुजुर्ग भाई चलिए 400 रुपए अब हो राजू भाई सही पाला के शिकार के हाल हो गए शहीद। दो गेंद नौ रन, ये मुकाबला है यहाँ मरीजों को दिल के जीते जीते हार गई। एक गेंद आठ रन, एक गेंद पर भी कुछ भी हो सकता है। एक गेंद आठ रन, एक बॉल आठ रन। एक गेंद नौ रन, एक बात आठ रन। तो खुरासो बनाम संजरपुर फाइनल मुकाबला, मिलते हैं फाइनल में भाई, मिलते हैं तुरंत फाइनल में, मिलते हैं फाइनल में तुरंत, मिलते हैं फाइनल में भाई।